सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ओनर्स रिव्यू करूँगा RS 200 का। वीडियो के टाइटल में देख के पता चल ही गया होगा, मुझे बाइक ये हुए करीब करीब 4 महीने हो चुके हैं, और वो 4 महीनों का जो निचोड़ है वो निचोड़ मैं आपको दूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो बाइक की मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ों से अभी तक मैं जो हूँ, मतलब अभी तक जो मैं परेशान हूँ, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका सपोर्ट मिलेगा फिर मैं आगे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहो, मिलते हैं वीडियो के आगे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ बाइक में और आपको इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ। सबसे पहले इंजन की बात करूं तो इंजन का जो स्मूथनेस है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है BS6 मॉडल में। बेसिकली बजाज वालों की जितनी भी सारी बाइक्स हैं वो सारी, मतलब सभी रिफाइंड हो चुकी हैं बाइक्स, वो भी BS6। मैंने 220 चलाई BS6 बजाज वालों की, और मैंने 150 भी चलाई थी, तो इससे पहले BS4 BS3 भी चलाई है, उनका इंजन इतना रिफाइंड नहीं लगा मुझे। बट जो BS6 है उनकी सारी बाइकों का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, और इंजन क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया इंजन क्वालिटी है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ एडवांटेजेस की, जो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, मतलब जो वाइज़र लग रखे हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़िया तरीके से फिट हो रखे हैं, और बिल्ड क्वालिटी एक नीचे से खाली मैं एक हिला कर भी देखूँगा, देखो पूरी बाइक हिल रही है, और आप देख सकते हो पूरी बाइक हिला दे रहा हूँ मैं एक वाइज़र से, और कहीं से भी नहीं हिल रही बाइक, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसकी पावर, 200 सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया पावर जो है प्रोड्यूस करती है। 24.5 PS की जो है इसकी पावर है, टॉर्क इसका 18.7 न्यूटन मीटर का है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी पिकअप बहुत ही तेज़ है, बाइक जो मैंने 4 मंथ चलाई है उसका मैं निचोड़ दे रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है आपके साथ वो चीज़ें सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगली बात करूँ तो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू R15, एज़ कम्पेयर टू RC। इसकी जो सर्विस कॉस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो सर्विस पड़ी थी मुझे फर्स्ट वो 750 के अराउंड थी, और जो सेकंड वाली थी वो 800 के अराउंड जो है मुझे पड़ी थी जो इसकी कॉस्ट थी, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है इसके, इसलिए इसके जो पार्ट्स हैं वो भी सस्ते हैं। इस वजह से कह सकते हो आप कि जो इसकी इंजन की जो सर्विस है और जो ऑल ओवर जो कॉस्ट वगैरह है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक। अगले एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका माइलेज, जो इसका माइलेज है ना वो आप जैसे एग्रेसिव चलाओगे तब तो आपको 20-25 के अराउंड देगा, कंपनी क्लेम करती है हाईवे पे 30 के अराउंड जो है इसका एवरेज है, बट मैंने चलाई है बाइक और मुझे करीब करीब सिटी में इसने 30 की एवरेज दी है, और अग्रेसिव चलाऊं तो मुझे वही 25 की एवरेज। बट इतना बड़ा देखो 200 CC के सेगमेंट में बाइक है और आप बाइक ले भी रहे हो तो आपको इतना तो सोच के चलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एवरेज की। बट जितना भी एवरेज निकाल रही है वो बहुत ही बढ़िया है, आप मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर आप ओन भी कर रहे हो अभी भी तो आपको ये चीज़ पता भी होगी कि एवरेज के मामले में बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगले एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका सिस्टम ब्रेकिंग वाला, भाई बहुत ही हार्ड है, और इसका जो आप देख सकते हो जो फ्रंट डिस्क है वो 300 mm का है, और काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग करती है क्योंकि इसका भार सारा आगे आ रखा है बाइक का, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 300 mm की जो है ये डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाइक को, एकदम मतलब स्टॉप कर देगी, और एज़ कम्पेयर टू रेयर जो डिस्क है वो छोटी है बाय द वे, बट डुअल चैनल ABS के साथ आती है, इस वजह से जो इंजन मतलब जो ब्रेक की क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, मुझे तो सच बताऊँ तो अच्छी लगी।
अगली एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका कंफर्ट, मैं एक्चुअली शिमला में राइड लेकर आया था, करीब करीब 100 किलोमीटर मैं बिना रुके इस बाइक को चलाई थी और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं कि मैंने राइड किया बाइक को और मेरे बैक पेन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इतना अग्रेसिव भी नहीं है। अग्रेसिव होती तो फिर बैक पेन भी होता, आप देख सकते हो। अग्रेसिव नहीं है, कंफर्ट के मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू RC और R15, क्योंकि वो एग्रेसिव है ना, इस वजह से। सो गाइज, ये सब चीज़ें थी जो इसके एडवांटेजेस थी। अब इसके थोड़ा डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि है भी है, मतलब मुझे फेस करनी पड़ी है वो चीज़ें। और मेरा एक फ्रेंड है जशन, उसने भी ये चीज़ फेस की है RS 200 के साथ, क्योंकि मतलब 3 मंथ मुझे भी हो चुके थे इस बाइक को लिए हुए, और 3 मंथ उसे भी हो चुके थे, 3 मंथ पहले ही उसने बाइक ली थी। तो दिक्कत ये थी कि इसका फ्यूल पंप जो था वो ख़राब हो गया था, उसका भी हो गया था और मेरा भी हो गया था। तो करीब करीब 10 दिन के बाद कंपनी ने फ्यूल पंप मंगवा के इसका जो है चेंज किया। दिक्कत आई थी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बाइक बंद होती थी मुझे करीब करीब आधा घंटा इसका इंजन ठंडे होने में वेट करना पड़ता था। और एक चीज़ और, मतलब फ्यूल पंप जैसे चलना बंद ही हो जाता था जब इंजन गर्म होता था, इसकी वजह से बाइक जो है ऑन नहीं होता था। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि नई बाइक ली है, चलो मेरे साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बाइकें आती हैं, तो एक बाइक अगर ख़राब भी हो जाए तो शायद मेरी वाली होगी, है ना। तो मेरा फ्रेंड था, उसकी भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी, उसकी भी ख़राब हो चुकी थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगी बाइक की, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ भी हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ। ये बजाज वालों को एज़ कम्पेयर टू R15 RC लगा लो, तो ये बहुत ज़्यादा अपडेट करते रहते हैं बाइक को, बट इन्होंने अभी तक इस बाइक को वैसा ही रखा है, कोई अपडेट नहीं किया अभी तक। और अगला इसका डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका थोड़ा हीटिंग इशू है, सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है सिटीज़ राइड में, क्योंकि ब्रेक्स काफ़ी लगती हैं और गेयर चेंज होते रहते हैं ट्रैफिक्स में, तो एक ये चीज़ है हीटिंग इशू का। और अगली चीज़ बोलते हैं, मतलब मैंने रिसर्च भी किया हुआ है यूट्यूब में, काफ़ी लड़के जो ओन करते हैं बाइक वो कहते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बंदा अगर देख कर चलाए और ज़्यादा बम्पर होगा तो नीचे लगेगा ही ना। जैसे स्पोर्ट्स बाइक है, फुल फेयर्ड है, अगर जैसे चल रही है तो थोड़ा नीचे होगा तभी बढ़िया लगेगा ना, ऊपर ऊपर तो फिर वो स्पोर्ट्स बाइक रही ही नहीं। तो ये चीज़ें थी जो डिसएडवांटेजेस थी इसकी, और बाकी तो मुझे कोई भी इसमें कमी नहीं लगती, बस एक वही कमी थी मेन जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो इसका फ्यूल पंप था वो ख़राब हो गया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ठीक है, सो गाइस वीडियो इतनी ही थी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा फ्रेंड है जशन, उसने भी ओन कर की है बाइक, तो 4 महीने का निचोड़ है जो मेरा है, और 6 महीने का जो निचोड़ है वो देगा। अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा उसका ओनरशिप रिव्यू, अपने ही चैनल में डाल दूँगा या जैसा भी होगा। और वीडियो शेयर कर देना प्लीज़, आप करते नहीं हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चेक किया था लाइक 20% जो है पब्लिक वीडियो सब्सक्राइब कर रही है, और 80% नहीं कर रही। वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, और आप सपोर्ट करो भाई को, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग भी करूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा, थोड़ा एंटरटेन भी करूँगा आपको। और मिलता हूँ फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए 1 मिनट भाई कह दे यार सब्सक्राइब के लिए। भाई भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब वाला बटन है मुझे नहीं पता कैसे भी दब जाना चाहिए, और आगे बहुत कंटेंट आ रहा है। भाई ने अपनी बाइक मॉडिफाई भी करानी है, वो भी अगर आप कमेंट्स करोगे इसमें क्या क्या हो सकता है वो हम आपके लिए करके दिखाएंगे बाइक्स में। बाकी आपका प्यार है, वीडियो को सब्सक्राइब करो, थैंक यू, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।